नमस्कार, आप देख रहे हैं अनोखी आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ नीरज द्विवेदी। और आपको सीधा लिए चलते हैं सिंगरौली जिले के करामी गांव में, जो माड़ा थाना अंतर्गत आता है। वहां के लोग ब्लास्टिंग से इस कदर दहशत में है कि उनके घरों तक इतने बड़े बड़े पत्थर उड़ के जा रहे हैं ब्लास्टिंग से कि उनका रहना और जीना मुश्किल हो चुका है। उनका कहना है कि इस समस्या से हमने कई बार जिला प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन जिला प्रशासन ने इस समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया, जिससे केसर संचालक रुद्र प्रसाद गुप्ता की मनमानियां बढ़ती जा रही हैं। आइए दिखाते हैं आपको करामी गांव से सीधी रिपोर्ट। नमस्कार, आज मैं उपस्थित हूं करामी में, जहां ब्लास्टिंग से लोग दहशत में हैं, आसपास घर बताए जा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि पीछे हमारे तस्वीरों को दिखाएं किस तरह से यहां इतनी जोर से ब्लास्टिंग हुई है कि यहां के पत्थर बताए जा रहे हैं कि कुछ लोगों के घरों पर गए हुए हैं। यहां पर हमारे साथ काफी लोग उपस्थित हैं जिनसे हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन प्रशासन की इसकी लापरवाही कहें या फिर नजरअंदाज, लोगों का इसका आए दिन खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आइए हम लोगों से आपकी बात करेंगे कि यहां किस तरह से यहां ब्लास्टिंग समस्याएं हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफी। कैसी यहाँ क्या समस्याएं हैं आप लोगों को? समस्या यह है सर कि ये बहुत बड़ा ब्लास्टिंग हुआ है, इससे लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ। घर पर पत्थर गया है, एक बैल का पैर कट के फेंका गया है और कई लोगों का झोपड़ी खत्म हो गया है। और ये मान लीजिए कि जमीन ये मतलब आदिवासियों को मिली थी, हम आवंटित की जमीन है, ये आवंटित सरकार द्वारा दिया गया था, वो जमीन पर ये मतलब एग्रीमेंट लेकर के कुल मिला के कहा जाए कि ये जो आदिवासियों की जमीन थी उस जमीन पर कब्जा करके ये दबंगई बस यहाँ पे ब्लास्टिंग कर रहा है। और 122 नंबर में भी इनका मतलब क्रेशर गढ़ रहा है, वो भी चारागाह की जमीन थी, उसको मतलब मिलजुल करके परिवर्तित करा लिए हैं खदान के नाम से, जबकि सुरक्षित जमीन गोरू बछरू चरने के लिए यहाँ सरकार दिया पत्थर है। जो ब्लास्टिंग से जुड़ा पत्थर वाला मामला क्या है कि किसके घर पे पत्थर उथल गया? पत्थर यहाँ रामचरित्र पाल हैं, सरजू हैं, जीतू पाल, कई लोग हैं, 10-12 लोगों के घर पर, और रहर पूरा खेती पूरा चौपट हो चुका है धान के लिए खेती। तो आप लोगों ने कभी एकजुट होकर इसकी आवाज उठाई कि ऐसा नहीं करना? कई बार आवाज उठाया, इतना बड़ा ब्लास्टिंग आज तक यहाँ हुआ ही नहीं है सर। जितना बड़ा ब्लास्टिंग हुआ है कि 700-800 मीटर तक दूर तक ये पत्थर गया है, और ऐसे जैसे मतलब धुनकेट देता है इस तरह से पूरा साफ कर दिया है, पेड़ पौधा और रहर का खेती, घर मकान सब पूरा तहस नहस कर दिया है, स्कूल तक दरार आ गए हैं। तो आप अभी सुन रहे थे यहाँ ग्रामीण अपनी व्यथा बता रहे हैं। यहाँ जो इनका अभी जो इन ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पे इतनी जोर की ब्लास्टिंग होती है कि इसके जो पत्थर होते हैं वो 800 मीटर तक दूर घरों पे जाते हैं, जिससे लगातार ग्रामीण भयभीत है। इनका कहना है कि यह जमीन आदिवासियों को आवंटित थी, लेकिन जो यहाँ क्रेशर स्वामी है उसने जबरनिया अपने दबंगई बस कब्जा करके उसने यहाँ पर ब्लास्टिंग कर रहा है। एक साथ हमारे साथ और एक व्यक्ति जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे क्या समस्या है। हमारे घर मकान पूरा क्रेक हो गया है, हमारा बहुत छत पर गिर गई है नीचे, जो तो छत की जंग किनारे नहीं थे, बीच में थे तो बच गई है, पूरा घर हमारा फट गया है। तो ये जानते हैं कौन ब्लास्टिंग यहाँ करवा रहा है, कुछ समझ में? ये रुद्र प्रसाद के नाम पर है, रुद्र प्रसाद गुप्ता, वो इधर है खड़िया वाले के रहने वाले हैं। जो जैसा आप लोग बता रहे हैं कि यहाँ के पत्थर जाते, कभी आप लोगों ने उसे शिकायत की क्या? शिकायत तो बहुत कुछ हुआ है, लेकिन कोई मानता नहीं है, गरीब पब्लिक को कोई मानता नहीं है, सुनता नहीं है कि। और भी हमारे साथ ग्रामीण जुड़े हुए हैं, इनसे भी हम खास बात करेंगे कि क्या समस्याएं जा रही हैं। क्या नाम है आपका? क्या समस्या अभी जा रही है आपको? सर पूरी समस्या हम सन 2012 से लड़ रहे हैं ये माइंस के लिए। ये माइंस जो है मतलब जबरनदारी, मतलब 45-46 एकड़ का एक बार हम बहाल कराए, फिर वो मतलब ये सब जो जितना है हमारा जोतकार है, 3-3 झोपड़ियां हमारी जो है मतलब अवैध रूप से उसको हटा दिए। वो कुल मिलाकर आपने बताया सर कि यहाँ पर कुछ घर भी बने हुए थे, जहाँ हम अभी रहते हैं वहाँ पे हमारा पूर्व साइड में पूरा झोपड़ी गिर गया है, उत्तर साइड में हमारा काड़ी कवर के पूरा इकर गया है, वो पूरा खपड़ा गिर, एक बूंदी बाहर नहीं जाएगी हमारा। तो आप जैसा इनके बताए अनुसार हम माने कि यहाँ पे पहले जब माइंस यहाँ पर नहीं थी, इसके पहले घर भी थे, लेकिन जो यहाँ पर रुद्र प्रताप बताया जा रहा है उनके दबंगई बस यहाँ उनके घर उजाड़ दिया गया। और हमारे साथ खास लोग जुड़े हुए हैं, इनसे भी हम बात करेंगे, उनकी समस्या सुनेंगे। क्या नाम है आपका? और वो भी बता दीजिए ना कि नहीं लड़ाई झगड़ा भी इसी बात दो, क्या समस्या जा रही है अभी आपको? छत्तीसगढ़ गए थे यहाँ अभी, जैसे काफी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, ये कह रहे हैं कि यहाँ से इनका कहना है कि यहाँ से पत्थर 800 मीटर तक उड़ के जाते हैं घरों पर। कितना सही है ये सब? छत गिर पड़ा है, गोल भी नीचे आ गया।
तो आप लोगों ने इसकी शिकायत कभी जिला प्रशासन से इसकी समस्या कान में डाला उनके क्या? डाल दिए हैं भैया, केस कर दिए हैं, यूनियन केस, एक केस है इसके ऊपर, चार पांच केस लगा दिए हैं, मार्केट तोड़ दिया, केस भी बना दिए हैं। इस ग्रामीणों की समस्या में करीब 100 ज्यादा ग्रामीण है, इन्हीं क्रम में महिलाएं भी कुछ हमारे साथ जुड़ी समस्या से पीड़ित है, उन महिलाओं से मैं बातचीत करूंगा और उनकी भी समस्या जानूंगा। क्या नाम है आपका? कश्मीरा जी, यहाँ पर क्या समस्या जा रही है आप लोगों को? यहाँ समस्या ये है कि क्या को घर घटाई कुछ भी हो जाए, यहाँ सुनवाई नहीं है कुछ। कुछ लोग बता रहे हैं यहाँ पे घर भी थे, आप आपको पता घर घर हम लोग का घर है यहाँ पे झोपड़ी उधर गई दिए हम लोग को। और क्या क्या समस्या जा रही है यहाँ बताया जा रहा है? सब लोग का क्रेक हो गया है। हाँ, सब लोग हमारा भी हादसा हो गया है, स्कूल भी क्रेक हो गई है, सब छत गिर गया है, पूरा फट गया है, पूरा फट गया है। हमारे बीम का नाम, इन लोगों का नाम आपको जिस तरह से इनकी समस्याएं हैं, आज हम करामी में उपस्थित, हम लोग एक टापू पे स्थित है, आपको मैं दिखाना चाहूंगा, कैमरा मैन को चाहूंगा कि थोड़ा सा जूमिंग करके दिखाएं किस तरह यहां पे घर बने हुए हैं। मैं जैसा कि देख पा रहा हूं खुली तस्वीरों से कि यहां पास में 100 मीटर की दूरी पर एक घर बना हुआ है, वही बाजू में भी एक घर है, एक छोटा सा यहाँ घर है, हालांकि उस घर की हालत जर्जर है, कुछ घर उधर भी देख पा रहा हूँ मैं। वहाँ तक एक मवेशी मर गया है, उसका कट पर टूट गया है, टूट गया है। पानी पूरा ना मिले, खत्म हो गया। पहले जब ऐसा जगह पर गिरल नहीं, दूध लेने गए थे घर में कुछ काम रहा, दूध लेने गए तो दूध भी पता नहीं कहाँ फेंका ला, और यहाँ घर भी यही पता है, घर यही पता है, यहाँ से भगा दिया, खाले में पत्थर गया। अब वो घर का चला फोटो लगावा, घर पे भी ले लिया उसको, वही ना कि जिसको मिला है उसका बोल रहे हैं आधार कार्ड और उधर खींचो सामने से, खींचो वहाँ जहाँ खींच रहे हैं भैया लोग, सामने से खींच लो, क्रेशर सेज हो जा सीधे काम खत्म। जबरदस्ती मतलब करे एक रुपया कुछ न दे, मारपीट करते हैं मशीन लगा।